नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज टाउन के इस बुलेटिन में आप सब दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सावन के महीने में नव विवाहित लड़कियों ने फूलों का श्रृंगार किया और ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया। ऐसे फूलों से श्रृंगार नव विवाहित जोड़े हर साल सावन के महीने में दुर्गयाना तीर्थ में ही करते हैं। इस बारे में हमारे पत्रकार मनदीप सिंह ने नव विवाहित जोड़ों से बातचीत की। मेरा नाम शिवानी है, तो मैं बटाला शहर तो आई हाँ। तो मेरे हसबेंड है, तो असी मत्था टेकन आए हैं दुर्गयाना मंदिर। तो बहुत ही अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, बहुत ज़्यादा वधिया बनया है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। हाँ जी, सावन से श्रृंगार किया जाता, क्योंकि सारी दुल्हन इस दिन तैयार होंगी है। तो बचपन तो मैं देखती आ रही थी कि सारी दुल्हन इस दिन तैयार हो के आती है, इसलिए सावन से धिया का त्यौहार होंगे, इसलिए मैं भी तैयार हो आई हाँ। ਆਪਣਾ ਸਾਵੀ ਕਪੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਮੈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਮ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਗਰੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। पल्लवी मरवाहा है, मैं फिरोजपुर से आई हूँ। किड़ी जगह से आए थे? अमृतसर दुर्गयाना मंदिर में आई हूँ। तो मैम, ये श्रृंगार क्यों किया जाता है? ये सुहागिनों का त्यौहार है, तो इसीलिए मतलब सावन पे श्रृंगार किया जाता है। किस चीज़ का श्रृंगार किया जाता है? कलियों का और फूलों से। तो कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ, किन के साथ आए हैं यहाँ पे? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। मुझे आपका कौन कितना सावन है? ये मेरा 10वां सावन है। तो कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये कलियों का श्रृंगार क्यों किया जाता है? सुहागनों के लिए होता है, इसलिए किया जाता है।